अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी हलवाई स्टाइल। तो आप देख सकते हो हमने क्या क्या लिया है। इसके लिए हमने 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट है, काजू, बादाम और पिस्ता। इस तरह से हमने इसको फ्राई करके रखा हुआ है। 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है। 1 कटोरी भर कर हमने शक्कर लिया है, शक्कर आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। 2 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है और मिल्क पाउडर हमने 4 चम्मच फुल भर कर लिया है। इससे बहुत अच्छे लच्छे तैयार हो जाएंगे और ये कस्टर्ड से कलर भी आएगा और लच्छे भी बहुत अच्छे हमारे रबड़ी के अंदर आ जाएंगे। देखिए, कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर दोनों हम थोड़ा सा दूध डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसी में से हम दूध लेंगे। देखिए, बड़े से बॉल में हमने दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हो। और दूध ठंडा ही लेना है और इसके अंदर मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। इसको अच्छे से ठंडे दूध में मिक्स कर लेंगे। देखिए, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, कस्टर्ड पाउडर को और मिल्क पाउडर को, आप देख सकते हो। और दूध हमने इसी में से लेकर इसको मिक्स कर दिया है। देखिए, इस तरह से भारी तले वाला बर्तन ले लीजिएगा, इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। देखिए, दूध को डाल दिया हमने, गैस हमने फुल फ्लेम पर ही रखा है। अभी दूध में अच्छे से बॉईल आने देंगे फुल फ्लेम पर ही। देखिए, दूध में उबाल आ चुका है, अभी हम फ्लेम को स्लो करेंगे और इसके ऊपर मलाई आती जाएगी, हम इसको साइड में करते जाएंगे। देखिए, इस तरह से हमको मलाई को साइड में ले लेना है। देखिए, इस तरह से, इस तरह से हम करते जाएंगे। स्लो फ्लेम पे मलाई इस तरह से आएगी तो इसको हटाते जाएंगे, इस तरह से किनारों पर इसको लगाते जाएंगे। अभी हम इसके अंदर मिल्क पाउडर जो हमने दूध के अंदर घोल के रखा, कस्टर्ड पाउडर, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से हिलाकर इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। कस्टर्ड पाउडर हमने वेनिला का लिया है, आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो लीजिएगा। और आप इसका कलर देख सकते हो कस्टर्ड पाउडर से कितना प्यारा आया है। आप कस्टर्ड पाउडर ना डालना चाहो तो इसकी जगह पे आप केसर भी डाल सकते हो, 2-3 धागे केसर के डाल लीजिएगा तो अच्छे से कलर आ जाएगा। हमने कलर के लिए डाला है और इसके अंदर बहुत अच्छे से लच्छे भी तैयार हो जाएंगे और बहुत कलर भी प्यारा आएगा। देखिए, आप देख सकते हो दूध हमारा लगभग आधा हो चुका है। 15 मिनट से हम लगातार इसको इस तरह से सिलो सिलो में चलाते हुए मलाई हमने पूरी किनारों से लगा दी, आप देख सकते हो। इस तरह से मलाई आती गई, हमने इस तरह से इसको लगाते गए। नीचे तले में इसको लगने नहीं देना है, इसका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा नीचे लग जाएगी तो। इस तरह से इसको सिलो सिलो से चलाते रहना है और जो मलाई आती जाएगी वो इस तरह से साइड में करना है, जिस तरह से हमने किया है। अभी हम इसके अंदर इलायची पाउडर जो हमने लिया था वो ऐड करेंगे। ये हमने घर पर ही तैयार किया है इलायची पाउडर। शक्कर ऐड करेंगे, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। किनारों से जो मलाई हमने लगा दी वो हमको इसके अंदर बाद में ऐड करना है। देखिए, इलायची पाउडर और शक्कर डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। शक्कर आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, थोड़े हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमारा अभी भी सिलो ही है, इसको थोड़ा वक्त लगता है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका। अभी हम और इसको 10-15 मिनट पकाएंगे स्लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए। इस तरह से अभी हम इसके अंदर मलाई डाल देंगे। देखिए, साइडों की मलाई हमने इसके अंदर डाल दी है, आप देख सकते हो। और इसको डालकर हमने 10-15 मिनट और पका लिया है, आप देख सकते हो इसके अंदर लच्छे आपको नज़र आ रहे होंगे। सब मलाई हमने इसके अंदर निकाल कर ऐड कर दी है साइडों से। अब ये लच्छेदार रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है।
अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आपको सर्व कर कर दिखाएंगे। ये लीजिए, देखिए रबड़ी हमारी ठंडी हो चुकी है। 10 मिनट हमने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो आप देख सकते हो इसके अंदर लच्छे आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए कितनी लच्छेदार रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, हलवाई स्टाइल। तो आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को हमारी। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। और हमारी रेसिपीज़ के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।